दोस्तों आज मैं आपको अपने गार्डन की सैर कराता हूँ। ये देखिए इसमें कितने प्रकार के पौधे लगे हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं। देखिए ये जो पौधे लगे हैं, ये गार्डन जो मेरा बना हुआ है, ये धरती पे नहीं बना है, धरती मतलब ज़मीन पे नहीं बना हुआ है, ये मेरी छत पे है, मकान की जो छत है उसमें बनाया हुआ है। देखिए इसमें मैंने कितने प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है उसके बाद भी ये मेरे पौधे हरे भरे हैं। और ये देखिए सूरजमुखी के फूल जो देखिए कितने खिल रहे हैं अच्छे से, ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। जो फूल वगैरह जो हम लगाते हैं ये लगाने ज़रूरी होते हैं। और देखिए मैंने ये भिंडी का पौधा भी लगाए हुए हैं, एक छोटे पौधे हैं और एक दो बड़े पौधे हो गए हैं, ये भी मेरी जो है ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और इधर आकर देखिए ये है बरगद का पेड़। बरगद का ये पेड़ जो है मेरे साढ़े तीन साल हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा हो रखा है। और ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी जो पेंट वाली होती है उसमें लगा हुआ है और देखिए कितना घना अच्छा हो रखा है। इसकी मैं प्रूनिंग करते रहता हूँ, तो हर साल प्रूनिंग करता हूँ, उसके बाद ये इतना घना हो रखा है। उसके बाद देखिए मैंने ये ग्रो बैग में ये बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, इसमें जो है बैंगन आने लग गए हैं, देखिए फल बनने लग गए हैं। और एक बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी कर दी है। ये देखिए इसमें दो प्रकार के बैंगन है, एक जो ग्रीन कलर का है और एक ब्लैक कलर का, दो प्रकार के बैंगन है। ये मैंने चार पौधे लगाए हैं एक ग्रो बैग में। ग्रो बैग की जो वो है, ग्रो बैग है ये 24 इंच का ग्रो बैग है, 24x24 का, उसमें लगा रखे हैं। इसी में मैंने एक टमाटर का पौधा भी लगाया हुआ है। टमाटर का पौधा जो है इसमें गर्मी बहुत पड़ रही है, उसकी वजह से इसमें जो है फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन जो फल हैं वो कम बन रहे हैं। और ये देखिए ये है गेठी का पौधा। गेठी जो होती है जोड़ों के रोग के को दूर करने के लिए काम आती है। इसका जो फल होता है उसकी हम सब्जी बनाते हैं, तो ये मैंने गेठी का पौधा भी लगाया हुआ है। और ये देखिए एक ग्रो बैग में मैंने मिर्च का पौधा लगाया है, मिर्च का पौधा भी काफ़ी घना हो गया है। इस प्रकार से आप छत में अगर गार्डनिंग करते हैं तो इस प्रकार से आप पौधे लगा सकते हैं। जो इधर वाला जो ये इधर को दिखाइए, ये जो ड्रम है, ड्रम में देखिए मैंने जो ये केमिकल के ड्रम आते हैं इनको भी यूज कर रखा है। इसमें मैंने मिर्च का पौधा लगाया है, देखिए इसमें मिर्च कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि ड्रम जो है इसमें इसको बहुत जगह मिल जाती है, कोई भी पौधा हम लगाते हैं उसको बहुत जगह मिलती है, जिससे कि उसमें अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें आप फ्रूटिंग भी अच्छी ले सकते हैं। इसी में मैंने एक दो सूरजमुखी के पौधे लगाए हैं, ये पॉलिनेशन के काम आते हैं पौधे जो फूल वाले हैं, तो इनको आप ज़रूर लगाएं। और इधर देखिए ये मेरे अनार का पौधा है, ये ड्रम में लगा हुआ है। इस अनार के पौधे को 4 साल हो गए हैं, इससे मैंने 2-3 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली है। ये बीज के थ्रू हुआ था, बीज के थ्रू जो अनार का पौधा है ये मेरे छोटे से एक बाल्टी में लगा हुआ था, उसके बाद मैंने इसको ड्रम में शिफ्ट करा। अब देखिए कितना घना हो गया है, बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, जितना ज़मीन में होता है उतना ही बड़ा पेड़ हो गया है लगभग। और इधर देखिए ये मैंने कुछ जो सब्जी होती है, जो आजकल लौकी, करेला, तोरई और ककड़ी, ये इनके जो है छोटे पौधे लगाए हुए हैं। अब इनको मैं बाद में ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगा। ये बरसात की जो सब्जी होती है उसके पौधे हैं। एक ड्रम ये देखिए, इसमें मैंने जो है अमरूद का पौधा लगाया है। अमरूद का पौधा क्या है, ये पेड़ है बहुत बड़ा, अमरूद का पेड़ इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए इसको करीब इसको भी हो गया है 4 साल और ये भी बीज के थ्रू हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें इसको ड्रम में शिफ्ट करा छोटे पॉट से, तो अब देखिए इसमें फल भी आने लग गए हैं। ये देखिए इस बार इसमें फल आ गए हैं, 4th साल में इसमें फल बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए कम नहीं है, देखिए हर ब्रांच में 2-2, 4-4 फल आ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अमरूद का पौधा भी लगा सकते हैं। आप ग्राफ्टिंग से जो तैयार होता है पौधा उसको लगाइए। ये मेरे बीज से हुआ था तो मैंने इसको रहने दिया, तो इतने देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है, कम से कम 8-9 फीट का पेड़ हो गया है। देखिए आप अमरूद का पौधा भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे कनेर का पौधा लगा हुआ है, कनेर का पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करा था और इसको मैंने गमले में लगाया हुआ है, 14 इंच के गमले में है, और देखिए इसमें फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। एक कनेर का पौधा मेरा ये भी लगा है, ये येलो कनेर का पौधा है, येलो फूल आते हैं इसमें इस प्रकार से। ये देखिए इसको भी हो गया है 3 साल, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है।
तो आप जो है फल के अलावा, सब्जियों के अलावा और फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं अपने छत की गार्डन में। ये मेरे बेलपत्री का पौधा है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसकी मैंने प्रूनिंग करी, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये थोड़ा सा ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इसकी वजह से इसकी जो नई ग्रोथ है वो झुलस जा रही है गर्मी से। अगर आप इसमें वाटरिंग करते रहेंगे, दो टाइम पानी देना पड़ रहा है आजकल छत में जो पौधे लगे हैं, दो टाइम देना पड़ रहा है, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा हरियाली दिख रही होगी आपको। और ये देखिए, ये भिंडी के जो छोटे पौधे हैं यहाँ भी लगाए मैंने थर्माकोल के बॉक्स में, ये भी अब फल इसमें भी बनने लग गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है छत में भी गार्डनिंग कर सकते हैं, और छत में गार्डनिंग करके आप अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं। और ये है पुदीना। पुदीना मेरा अच्छी मात्रा में हो रहा है, इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करा था। और ये देखिए, अगर आपको कटिंग के थ्रू पुदीना ग्रो करना है, इससे मैं पुदीना की जो है ग्रोथ अच्छी होती है, ये बरसात तक जो है पुदीना आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं अगर आप कटिंग के थ्रू लगाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको भी कटिंग के थ्रू लगाया था। और आप अगर ग्रो करना चाहते हैं कटिंग के थ्रू, मेरे चैनल में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कटिंग के जो ख़राब हो जाती है आपकी कटिंग अगर आप लगाते हैं पुदीने की, तो क्यों होती है और कैसे ग्रो करना है पुदीना, वो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये अपराजिता का पौधा है। अपराजिता का पौधा जो कहते हैं शुभ माना जाता है भगवानों को, इसके फूल जो विष्णु भगवान हैं उनको चढ़ाए जाते हैं, नारायण भगवान को। ये देखिए, इसमें इस प्रकार का दो शेड वाला जो है फूल होता है, वाइट और ब्रिंजल कलर का जो होता है। ये देखिए, इस प्रकार से आप अपराजिता का पौधा भी लगा सकते हैं अपने घर में। और ये देखिए करी पत्ता जितना घना हो गया, देखिए करी पत्ता भी आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, और इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। करी पत्ता को आप छोटे गमले में लगाएंगे तब भी आपका ये चल जाएगा। देखिए, मैंने इसको कटिंग के थ्रू ग्रो करा था, उसके बाद मैंने इसकी केयर जो कर रही थी उसके बाद इतना अच्छा घना हुआ है। आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे बीच बीच में, जो जैसे नई ग्रोथ आती है इसको आप इस ऊपर से पिंच कर देंगे, इस प्रकार से आप पिंच करते रहेंगे तो इसमें जो नई ग्रोथ होगी उससे पौधा घना हो जाएगा। ये मेरे गुड़हल का पौधा है, देखिए कितनी अच्छी कलियाँ खिल रही है इसमें। दोनों गुड़हल के पौधे, एक मेरा रेड कलर का है और ये पिंक कलर का है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। और अब आगे को दिखाता हूँ आपको। ये मेरे बोगनविला का प्लांट है, इधर को देखिए, ये बोगनविला का प्लांट है मेरे, ये भी मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करा था। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। उसी प्रकार से ये नींबू का पौधा है, नींबू का पौधा इसको हो गया 4 साल, और देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस समय अभी फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट नहीं हुई है, हल्के हल्के जो पुराने फ्रूट्स लगे हैं वही हो रहे हैं, और जो फूल बन रहे हैं इसमें, अब आगे जाकर इसमें बरसात तक फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से हम नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं छत में। ये देखिए, मैंने ग्रो बैग में शिमला मिर्च भी लगाई हुई है, और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। एक पौधे में 4-4, 5-5 फल जो बन रहे हैं, और ये हार्वेस्टिंग लायक होगी है शिमला मिर्च। आप भी ग्रो बैग में अगर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उसमें शिमला मिर्च इस समय आप लगा सकते हैं, और ग्रो बैग में आसानी से हो जाती है सब्जियां, तो आप शिमला मिर्च ज़रूर लगाएं। उसी प्रकार से मैंने लौकी का पौधा भी लगाया है, ये देखिए इसमें 2-3 बार मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है। लौकी के पौधे से मैंने 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर ली है, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा था। गर्मियों के पौधे में जो है ये बरसात में जो है दूसरा पौधा लगाना पड़ता है। गर्मियों के पौधे की जो मैंने लगाए थे इसके हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसके बाद देखिए इसमें अभी भी फ्रूटिंग हो ही रही है थोड़ी बहुत। जब ये फ्रूटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें नया पौधे लगाऊंगा जो मैंने तैयार कर रखे हैं बीज के थ्रू। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो नए पौधे तैयार करे थे उसमें से ये भी हैं कुछ। ये तोरई है और इसी में लौकी भी लगी है। इस प्रकार से नए पौधे मैंने जो बीज से ग्रो कर रखे हैं, अब उनको मैं बड़े ग्रो बैग में लगाऊंगा। अब देखिए, मैंने जो ये बैगन का पौधा है ये मेरे करीब 1 साल हो गया है, इसमें मैंने प्रूनिंग करी, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ आई और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए इसमें फ्रूट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और फूल भी अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गार्डन बनाना चाहते हैं छत में, अपने घर में ही सब्जियां और फल उगाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप गार्डनिंग कर सकते हैं छत में।
धन्यवाद।